जयचंद कैसे असंसदीय हो सकता है? जयचंद तो इस देश के एक श्रेष्ठ राजा होते थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। नरेंद्र मोदी जिस क्षेत्र से एमपी हैं वहां के भी वो राजा थे, वो कन्नौज के भी राजा थे। तो वो जो है बुलंदशहर तक, जहां आप रहने वाले हैं वहां भी उन्हीं का ही शासन था। तो आप ये समझिए कि यदि इस तरह की स्थितियां हैं कि तमाम ऐतिहासिक नाम जो है यदि हो जाते हैं, असंसदीय हो जाते हैं, तमाम तरह के सब, जैसा राकेश भाई बता रहे थे कि वो निश्चित रूप से जो नाम एक वक्त में खुद उन्हीं के साथियों ने दिए थे, जुमला जी भी हो या जो भी हो, वो सब हो जाएंगे। तो एक बात है कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर होता है वो खोजता रहता है कहाँ। तो कमोवेश वही स्थिति है कि चोर जो है तो उसको डर लगता है इन शब्दों से। तो ऐसे तमाम सारे शब्द जो आए, और इन शब्दों को लेकर के बिल्कुल एक साफ सी बात है कि आप इन पर कैसे कह सकते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। आप या तो बताइए कि हाँ इसमें क्या गलत है। बहुत सारे, जैसे एक शब्द है अक्षम, अक्षम शब्द कैसे हो सकता है? अक्षम शब्द तो कोई भी व्यक्ति अक्षम हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उसमें क्या है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल? शर्म शब्द को इन्होंने किया है, शर्म शब्द कैसे हो सकता है? बहुत सारी चीजों में शर्मनाक स्थितियां होती हैं, चीजें होती हैं, तो उसको आप कैसे असंसदीय कह सकते हैं? शकुनी, हमारे धर्म में उसका जिक्र है, तो यदि धर्म ग्रंथ में जिक्र है तो फिर शकुनी कैसे हो सकता है? शकुनी तो ये देखें, लॉलीपॉप कैसे हो सकता है? तो इन सारी चीजों को लेकर के जो इस तरह से तमाम सारे ऐसे शब्द हैं कि सांड, सांड की तो पूजा होती है, सांड तो हमारे शिव, भगवान शिव का वाहन है, वो कैसे हो सकता है? तो बड़ा पवित्र है, उसको तो प्रणाम करने की स्थिति होती है। तो जो शब्दों की है, जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, उससे लगता है कि सरकार सचमुच, जो उन्होंने एक शब्द कहा चिलम पीने, तो ये सचमुच चिलम पी के सारे काम कर, और चिलम पी करके ही सारे ये जो है, जो ओम बिरला कह रहे हैं, ओम चिलम नहीं बिरला खाते, और उनकी चिलम ओम, चरस पीते हैं, शब्द नहीं चरस चिलम, नहीं चिलम पीना भी है, भी चिलम है। पीना भी। हाँ, तो आप ये समझिए कि ओम बिरला ने शायद चिलम चिलम पी ली होगी, तभी उन्होंने ये कमेटी, उनकी कमेटी ने पूरी ने, और उसी उसमें उन्होंने फैसला किया होगा, संभवतः ये हो सकता है, इसकी आशंका है। तो इस तरह, अशोक जी, अजय जी इतना बढ़िया बोलते हैं, ये पक्का किसी दिन पार्लियामेंट में मुझे खड़ा कराएंगे, या तो उत्तर मैं प्रदेश वही की सदन कह रहा था। की मानहानि वहीं पे होगी किसी दिन। अब आप बताइए, असत, अहंकार, घड़ियाली आंसू, ये हमारे यहाँ मुहावरे में पढ़ाए गए हैं, तमाम सारी चीजों में उपलब्ध है, ये कैसे असंसदीय हो सकते हैं? ये अपमान, गद्दार, ये सब कैसे असंसदीय हो सकते हैं? अब इन सब का तब, क्यों नहीं हमें डॉक्टर सुनीलम जैसे लोग हर जगह चौराहे पे ऐसी ऐसी और बातें कर रहे हैं, जी भी कहेंगे मैं संजय जी एक चीज कहता हूं, यदि जयचंद शब्द इस कारण से कि उसने, राजा जयचंद ने साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान का, तो इस कारण से यदि वो गद्दार है, तो मैं मान लेता हूं गद्दार है या जो भी है, जिस आप उसको असंसदीय मान लीजिए, तो फिर आरएसएस ने जो है अंग्रेजों से लड़ाई के वक्त में साथ नहीं दिया था और उसने गद्दारी करी थी, तो आप ये समझिए उन्होंने मुखबरी करी थी, तो फिर क्या वो भी असंसदीय है? आरएसएस शब्द को भी असंसदीय साबित करें? तो कमोबेश स्थितियां यही है। आप देखिए, पटना के एसपी ने, एसएसपी ने आरएसएस की और पीएफआई को बताया कि हाँ वो कैसे, पीएफआई वैसे ही उन्होंने कहा ट्रेनिंग देता है जैसे आरएसएस देता है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने कहा। अब आप समझ लीजिए, तो ये चीज समझ लीजिए कि गलत जो, गलत अजय जी, गलत होगा। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, इतनी जगह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आता है, वो अब लोग बिल्कुल कैसे? बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं राष्ट्रवादी है, वो इतना बड़ा राष्ट्रवादी है कि जब देश की आजादी के लिए लोग मर रहे थे और लोगों के प्राण जा रहे थे, तो उस समय वो खड़े थे प्राण लेने वालों के साथ में, नहीं हुजूर, हम आपके चरणों को धुलने के लिए धुल रहे हैं पूरे टाइम, आप अपने ये चरण धुल के जो है इनको रखिए किसी तरीके से जमीन पे, या हमारे सिर पे रख दीजिए और आप उस पे सिर पे रख के आप इंग्लैंड चले जाइए, ये कर रहे थे। तो आप वामपंथी हो आप गए अजय जी, वामपंथी हो गए आप, संघ पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब चाहे जो कह दीजिए, सच बोलना यदि ये है तो ये, आप बताइए, मुझे लगता है
तमाम सारे लोगों ने इनमें संसद कवर करी होगी, आप कभी भी इस तरह के शब्दों में इस तरह प्रतिबंध कभी लगा था? चंद जो शब्द असंसदीय कहे जाते थे वो बड़े छोटे से शब्द सीमा, और वो वास्तव में किसी से भी पूछ देंगे तो वो असंसदीय है। लेकिन अच्छा मुझे आज जो हो रहा है ये सरकार का डर दिखाता है, और ओम बिरला का यह कह देना बयान इस बात को और साबित कर देता है कि ये सरकार ही नहीं, अब हमारी विधायिका भी डर गई और वो डर के जी रही। तो इससे तो ओम बिरला ने उस पर और ठप्पा लगा दिया। जो स्थिति है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उसकी कार्यपालिका की, उसकी विधायिका की और न्यायपालिका की, तो आज स्थिति यह है कि गलत नहीं है कि ये सारी संवैधानिक संस्थाएं गुलामी की स्थिति में है, और वो जिस तरह सरकार का मुंह हो जाता है कि मोदी जी ने देख लिया, वाह मोदी जी वाह, तो महुआ मोहित्रा ने बिल्कुल सही कहा है, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, वो प्रियंका चतुर्वेदी ने बिल्कुल सही कहा है, कमोबेश वही स्थिति है। और ये स्थितियां इसी तरीके की हैं, और निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने जो कहा वही है। तो ये